संस्कृति सरोवर में आपके स्वागत बा। बुद्ध समुदाय के टेलीविजन पर कार्यक्रम पहले की अगली रात ऐसे कैमरा पर्सन पीवी के साथ में ये कार्यक्रम आप हरेक सोम के और हरेक मंगल के ऐसे हरेक बुद्ध के ठीक इतने समय से देख सकल जाते जिमें कि हमारे अमन की समाज में विकृति कैसे हटा सके और साथ में हमने की कोनो भी क्लास संस्कृति बा ओके हमरे कैसे जगह न करे और इतने भरना ओके हमरे कोनो भी संघ संस्था में कोनो ढीला सुस्ती बा ते ओके हमरे कैसे हटा सके ऐसे तमाने हर एक जोन हमरे कौन भी पेशा कर्मी होली हमरे कौन भी काम कर जत बा उ काम में हमरे कैसे सफलता प्राप्त कर यानी कि हमरे अपन जीवन कैसे सफल बना सके और साथ में हमरे असल सभ्य समाज निर्माण कैसे के संबंध में हमरे चर्चा कर जत और संबंधित विषय में हमरे जान पहचान व्यक्ति से वहाँ के विचार भी आदान प्रदान कर जाते आज भी आपके साथ रही पूर्ण विश्वास बा ऐसे कार्यक्रम अवधिवार साधा जी आज हम लग अतिथि बाटे हमरे आज अतिथि के न्यौता धाली बा नेपाली कांग्रेस पार्टी के महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा गोपाल सेवा समिति के अध्यक्ष धरहरी यादव हमार लग बाटे हमरे वहाँ से लेके आज बातचीत करे के ते आप भी संगी साथ रह जी कार्यक्रम में आपके स्वागत बा धन्यवाद। हमन के जोन है समाज बा वैसे ते आप एक हर एक क्षेत्र में एक ठू सफल व्यक्ति हमारे मानिक सकल जी आपके यानी कि एक ठू समाज से भी रह गिल बा और गोपाल सेवा समिति के जिला अध्यक्ष भी रह गिल बा ते हमन के जोन है समाज में कौन भी विकृति विसंगति बा आपके नज़र में कौन ऐसा लगत बा कि हमन के समाज एक ठू गंदा करते जात बा। धन्यवाद राज चौधरी सर, आज यह कार्यक्रम में बुलावल गेल आपके बुद्ध टेलीविजन के सर्वप्रथम हम संपूर्ण परिवार के धन्यवाद देवक चाहत हैं और दर्शक महानुभाव लोग के हम नमस्कार करके चाहत हैं। नमस्कार। हाँ तो वैसे हमारे दोनों समाज में विकृति विसंगति बा वैसे अब हम कहा जीते आपके नजरिया का बात है अमन के समाज में विकृति बा और अमन के समाज के विकृति आपके हटावे के लिए अमन के समाज के पूर्ण रूप में विकृति से मुक्त करे के लिए हमें आप लोग के सर्वप्रथम पत्रकार जगत के भी महत्वपूर्ण योगदान बा ओके पहचान करे भी जरूरी बा और पहचान कई के हमन के जो समाज में आपके विकृति बा ओके हटावे के लिए सामाजिक व्यक्तित्व लोग ओकरे बाद नेपाल सरकार और विभिन्न संघ संस्था के माध्यम से ओके हटा सकल जाला ओके कम कई सकल जाला। जैसे आपके विगत के दिन में हमन के समाज में बाल विवाह के प्रचलन रहल बकीर आज घड़ी बाल विवाह आपके बहुत कम हो गेल बा। बाल विवाह के रोके के लिए नेपाल सरकार भी आपके बाल विवाह के रोके के लिए एक कानून बनौले बा कि बाल विवाह से के विकृति समाज के लिए एक बरबार रूप आए वाला दिन में कैले कारण से हमन के बाल विवाह पहले के तुलना में आज घड़ी आपके समाज में 100% आपके 100% निर्मूल तो नहीं भइल बा बकीर पहले से आज घड़ी बहुत कम हो गेल बा। बाल विवाह एक चुनौती के रूप में जौन पहले रहल आज घड़ी कम बा। वैसे दहेज प्रथा समाज में हमन के समाज में जौन दहेज प्रथा बा दहेज प्रथा आपके पहले भी रहल बकीर हमरे अपने बुझाई में आज घड़ी दहेज प्रथा राज चौधरी सर ये बढ़त जात बा। एक आपके जिसे अब दहेज प्रथा जो निकाल के लिए कि आप कितना जने कहानी की दहेज प्रथा हट गिल बा बकीर के आपके विचार में काला रहते हैं मैं हमार विचार आपके प्रत्येक हमन के समाज में प्रत्येक वर्ग के आदमी रहा है उस सबके जीवन स्तर आपके रहा। अब हमरे बुझा आपके जो निम्न वर्ग के अमन के समाज में जो बाटे बल्कि उस सब में आपके दहेज प्रथा कम बा
उ सबके शादी ब्याह बहुत आनंद से बहुत सहज तरीका से हो जात बा। जौन आपके उच्च वर्ग के जौन समुदाय के हमन के समुदाय में बाटे इस सब में यहाँ तक हम देखिला कि यदि आपके बेटवा डॉक्टर पढ़त बा तब का सोचाई बा मानसिकता में चेंज ल्यावे के जरूरी बा कि यदि केहू के बेटवा यदि डॉक्टर पढ़त बा तो वह अनुसार के आपके केहू के हमन के समाज के केहू के बिटिया पहले शिक्षा में जोर देवे पड़ो। जब शिक्षा में जोर देवल जाए जब एक अभिभावक हमन के समाज के एक अभिभावक अपने लड़की के बेटवा सरा जब समान रूप में वो शिक्षा देत बाटे तो दहेज से बड़ा आपके बुहारी पतो हो एक अभिभावक अपने लड़की के जब शादी करत बा तो एक लड़की के शिक्षित कह के जब वो शादी कराता तो सबसे बड़ा दहेज उहे हो। मानसिकता में सोच में परिवर्तन ले आओ जरूरी बा। और एक ही दहेज एक देखा देखी भी आपके समाज में बढ़त बा कि फलाने इतना लाख नकद दे लें ओकरे बाद मोटरसाइकिल दे लें कार दे लें तो एक मतलब देखा देखी भी आपके समाज में दहेज प्रथा बढ़त बा। अब आप लोग के संचार माध्यम के माध्यम से ओकरे बाद नेपाल सरकार भी कानून बनौले बा कि दहेज दे वाला और दहेज ले वाला दोनों देश के आपके एक अच्छा काम नहीं कराता टे उन्हें दंडित करे के लिए भी यदि समाज में केहो दहेज दे दबा अथवा ले दबा तो ओके भी आपके कार्यक्रम के माध्यम से और ओके सूचना और जानकारी करे के लिए भी संबंधित समुदाय के समाजसेवी व्यक्तित्व जी लोग के और हम अनुरोध करे भी चाहते हैं कि यदि समाज में आपके दहेज प्रथा यदि आपके निर्मूल करे बा तो केहू यदि आपके गोप्य तरीका से समाज में यदि दहेज लेत बा तो ओके संबंधित निकाय में ओके उजरी भी आप लोग डाल जा उसे का हो हमन के एक समाज परिवर्तन करे के लिए एक साझा आपके संकल्प हो साझा मुद्दा हो बल्कि दहेज न लेके लड़की लोग के का गाना शिक्षा दीक्षा में जोड़ देवे पड़ल। हाँ तो जी हम कह सकते हैं दहेज की बात जो कल जाता अब कितना जने जो खाने की अशिक्षा के कारण हो दहेज के किए थे आप ये माँ का कह सकते हैं ये हमारे बुझाई में आपके शिक्षा के कारण इस आपके शिक्षा और दहेज यदि समाज आपके मालूम बा दिन प्रतिदिन आपके हमन के समाज शिक्षित हो जात बा तो हमन के सोच में और विचार में भी परिवर्तन ले आवे जरूरी बा कि वास्तव में दहेज एक विकृति हो और हमन के समाज में यदि दुई पक्ष के अभिभावक लड़का पक्ष के और लड़की पक्ष के अभिभावक लोग यदि बिना दहेज में शादी कर देते हैं तो समाज में और नेपाल सरकार के माध्यम से भी वह परिवार के आपके समाज में सम्मानित करे भी जरूरी बा और वह दोनों परिवार के अथवा दोनों नया वैवाहिक दंपति के सम्मान स्वरूप आपके का कहना विभिन्न संघ संस्था के माध्यम से और नेपाल सरकार के माध्यम से आपके सम्मानित करे भी जरूरी बा। उसे कहा हुई कि आपके दहेज के निर्मूल करे के लिए एक तो आपके सहज एक तो माध्यम भी बन सकी और यदि हमन के समाज के जो आपके शिक्षित समुदाय के व्यक्ति बाटें सामाजिक व्यक्ति बाटें यदि सांसा मुद्दा हो ये संपूर्ण साथी लोग यदि एक अभियान के रूप में आप लोग जावल जाए तो ये दहेज प्रथा आपके कम कहीं मिले क्योंकि हमारा अपन बुझाई हो। हाँ तो वैसे अब जो हमन के दहेज आजकल का हो गल कि एठू आपके विचार में कौन हिसाब से दहेज एठू आदमी के बाध्यता हो कि एठू अपन खुशी से देत बाटे जी चल जिससे अब कितना जने अब कहने की हई मांगत बाटे हम देख परी के ते आपके बुझाई में कहा ये दहेज अपन खुशी देत बाटे कि कुछ एमा बाध्यता जी ए मेरा सर ये जो दहेज वाला बात बा कुछ हमन के समाज में एठू सोचाई भी कहा बा कि लड़की हो लड़की के हमरे ढेर दहेज दे के अच्छा घर में अथवा संपन्न घर में आपके यदि शादी जो कई दयाल दादा
तो उसे कहा हुए कि अगर जीवन आपके अच्छा रही कह के एक ठू सोचाई बा तो वो जो सोचाई बा वही के संगरी संगरी एक चीज जो लड़का पक्ष के हमारे अपने बुझाई में कहीं ऐसा बा कि जैसे मानल जा हमारे छिमेकी में दहेज में मानम आपके 10 लाख रुपया नगद पॉलिस अथवा एक मोटरसाइकिल पॉलिस मानल जा उनके 2 बीघा पक्के जमीन बा तो यदि तीसरा वही छिमेकी यदि उनके लड़का भी उनके लड़का सरा पड़त बा उनके 3 बीघा पक्के जमीन बा तो उनके बुझाई का हो सकला कि फलाने इतना पौले तो हम ऐसे थोड़ा बेसी पाए क्योंकि एक जो समाज में एक जो गलत सोच बा अभिभावक में हम आपके माध्यम से बुद्ध टेलीविजन के कार्यक्रम के माध्यम से हम श्रोता वर्ग में हम अनुरोध करे चाहते हैं कि आप लोग दहेज से बड़ा आपके बुहारी के यानी पतोह के आपका कहना सम्मान कर जा दहेज आपके का कहना पतोह आपके दहेज हो काहे से जीवन आपके लड़का के और लड़की के जीवन आपके दहेज से का कहना आपके जीवन नहीं बीती लड़का और लड़की के संबंध से आपके दहेज से भी आपके लड़का और लड़की के अच्छा रहे और रासा एक चीज कि दहेज में भी आप लोग हमारे संचार माध्यम के मीडिया से हमारे सुनल डाला कि हमारे समाज में दहेज कम भइल और के बाद लड़की लोग के आपके जलाई के भी आपके कहीं कहीं आप लोग सुनल डाला हमारे पत्र पत्रिका में सुनल डाला प्रकार के केस ढेर केस आवाला ओकरे बाद ओके मड तेल छीट के भी आपके क्या कहला दहेज कम भइल कारण से जरा दे लें वो एक ठू अमानवीय व्यवहार हो यह किस्म के भी क्या कहला श्रोता वर्ग में हम अनुरोध करत हैं कि आप लोग दहेज से बड़ा आपके क्या कहला लड़की के सम्मान कर जाओ अपने पतोह के सम्मान कर जाओ काहे से महिला ऐसा चीज हो कि आपके वो बिटिया भी हो आपके महतारी भी हो आपके पतोह भी हो तो आपके माध्यम के माध्यम से बुद्ध टेलीविजन के माध्यम से हम अनुरोध करे चाहते हैं कि महिला के सम्मान कर जाओ। हाँ तो वैसे इतना करी हमने देखा जाता बा कार्यक्रम संस्कृति सरोवर कार्यक्रम के साथ में हम राज ऐसे हमन के कैमरा पर्सन सरीना बाटी और हमन के आज अतिथि बाटी गोपाल सेवा समाज गोपाल सेवा समिति के रूपंदेही जिला अध्यक्ष आज हम लग बाटे भरथरी यादव जी बाटे हम लग ऐसे हमारे बातचीत कर जाता कि हमन की समाज के विकृति का बा हमारे कैसे हटा सकते थे अत विषय हमारे इतना करी बातचीत कर जाता जो हमन के समाज की विकृति एकदम बड़ी रूप ले चुकल बा जो हमन के बरखे कहा जाता कि दहेज ते वास्तव में अब एमा केकर गलती लौका तो अब कितना जने कहानी कि फलानी धाले थे हम लाली कही के ते देह वाला दोष हो कि लेह वाला दोष है एमा हमारे कैसे बुझे सकल जी अरे सर हमें हमारे बुझाई में एक जो ना मन के एक परंपरागत जो चलन बा ये परंपरागत चलन से भी ये दहेज में कुछ असर और प्रभाव पड़त बा कि फलाने इतना पौले तो हम काहे ना लें तो आखिर यह समाज में आखिर शुरुआत बहुत ऐसा मतलब समाज में व्यक्तित्व तो लोग समाज से भी व्यक्तित्व तो लोग बाटे हमारे के समाज में कि वो बिना दहेज की भी शादी करत हटे ऐसा हमारे बहुत शादी ब्याह में हमारे शामिल भइल गेल और उस सबके जे बिना दहेज में शादी मतलब शादी गईलिस ओके हमारे धन्यवाद भी दिल गेल बिना दहेज में भी शादी होत बा तो हमार कहने का मतलब का हो कि आपके जो मानल जा जे उच्च वर्ग के उच्च परिवार के हमारे समाज में बाटे तो उस सबके मानल जा शादी ब्याह में 1 करोड़ 2 करोड़ जो खर्च कर दिल है और ढेर आपके भोज भतेर में जो आपके बहुत ताम झाम होला फाजुल खर्च होला तो वहाँ में क्या होला कि आपके मध्य वर्गीय परिवार के और निम्न वर्गीय परिवार के आदमी निमंत्रण में जा लें तो देखा लें तो हम अनुरोध करना चाहब आपके कार्यक्रम के माध्यम से कि भोज भतेर में बहुत फजूल खर्च न कैल जा अवश्य का है कि बल्कि वो फजूल खर्च कैले से बल्कि वो लड़की के आप लोग का नगद में आपके एक दे दयाल जाओ वैसे वो जो नया जोड़ी बा और लड़का और लड़की के वो अपने जीवन में उसे क्या कहला कुछ व्यवहार में उतार पाइए और हम एक अनुरोध क्या करे चाहब कि आपके टेलीविजन के माध्यम से कि जो मध्य वर्गीय हमन के समाज में और निम्न वर्गीय जो समुदाय के व्यक्ति लोग हमारे बाटी
तो उस सब लड़की में शिक्षा में जोर दिल जा जब आपके कहा वही समाज बहुत पहले से आज में बहुत चेंज भइल बा आदमी रासर आपके खुल के हम इतना लाख इतना करोड़ कह के वो दहेज भी आपके नहीं मांग पावता मगर आंतरिक रूप में जो शादी ब्याह लगाए वाला आपके मेडिएटर जो साथी लोग रहा है जोड़े वाला संबंध जोड़े वाला मध्यस्थकर्ता तो वो साथी लोग भी कहीं कहीं आप आंतरिक रूप में हम इतना दिलवा दे अथवा आपके हम ऐसा मतलब है दिलवा दे आंतरिक रूप से आपके जो एक समाज के माध्यम से आपके जो दहेज के मतलब एक दहेज गलत चीज हो दहेज नहीं मांगे चाहिए तभी अपने मान सम्मान बचावक लिए भी कहीं कहीं शादी ब्याह में आंतरिक रूप से आपके दहेज के बार्गेनिंग होला और बाहर एक अपना मान सम्मान इज्जत बचावे करते ई शादी मतलब सेट भइल शादी ब्याह मतलब हो जात बा मगर हमें दहेज के बात ना आई बा हाँ तो ई भी कहीं कहीं मतलब मन के देखे के मिला ला तो वैसे सबसे पहले तो हमारे भरखे जो बातचीत इतना गरी कल जतबा हमारे देखल जतबा कार्यक्रम संस्कृति सरोवर आज हमारा अतिथि बाटे गोपाल सेवा समिति रूपंदेही के अध्यक्ष से आज हमारे बाटे भरथरी यादव जी बाटे वैसे हमारे कैमरा पर्सन सरीना के साथ में हम कार्यक्रम संचालक राज और हमने की समाज की विकृति हमारे कैसे हटा सकल जी इस संबंध में हमारे चर्चा कल जत ते वैसे हमारे जो बातचीत कल जतबा हमारे इससे पहले भी बातचीत कल गल कि जो एक सबसे पहले तो जो दहेज देत बाटे और लेत बाटे हमारे शिक्षा पर के न हो कि एक ज्ञान भी हो एक आवश्यक बा अब जैसे हमारे आपे बातचीत कल गल हमारे बात उठान कल गल कि अब जैसे कितना पढ़ल जो व्यक्ति बाटे ओकर ही विशेष करके दहेज मांगत बाटे अब जे बल्कि अब कम पढ़ ले बा वो नहीं मांगता डेट पढ़ ले बा वो मांगता कहीं के तो नहीं हो बाकी इनका अक्सर कह कि अब जे खाए वाला जो वर्ग बाटे उ सब अक्सर कह कि हमारे एक तुलना कर जीते उस सब में दहेज ढेर लोग जिसने लागत हमारे बुझाई में तो वैसे जो हमारे कि दहेज ई प्रथा बा हमारे युवा लोगन कैसन भूमिका निर्वाह कैले पड़ी समाज से अब तुरंत हटते नहीं सकला बगिन का धीरे धीरे कैसे निर्मूल हो सकी कोनो विधि बता सको हमें राज सर बहुत अच्छा आप प्रश्न पूछल गए ये दहेज प्रथा आपके हटे के और कम होए के माध्यम बा ये हमें आपके आपके माध्यम से हम अनुरोध करे चाहते हैं कि हमन के समाज के जो युवा युवा जगत बा युवा समूह बा अनि आपके महिला में युवती के जो समूह बा तो हम का अनुरोध करे चाहब कि आप लोग पहले सर्वप्रथम आप लोग ध्यान कैल जा कि शिक्षा में आप लोग अध्ययन कैल जा पढ़ल जा पढ़ले के बाद काहे से आप लोग युवा होखी हमन के समाज के आप लोग देश के कर्णधार होखी देश के भविष्य के आप लोग कर्णधार होखी तो एक अभियान आप लोग जब आप लोग पढ़ल जाए उच्च शिक्षा हासिल कैल जाए तो आप लोग में ऑटोमेटिकली स्वतः फूर्त आप लोग के एक ठुका हुई कि जब आप लोग के विवाह करे के जैसे बाल विवाह पहले रहा आज घड़ी कम बा तो पहले आप लोग शिक्षा आप लोग के उच्च शिक्षा हासिल कैल जा ओकरे बाद आप लोग शादी में सोचल जा जब उतना टाइम शादी कैल जाए तो ऑटोमेटिकली आपके आप दु, दु, आप लोग और लड़का और लड़की कैसे आप लोग शिक्षित जब हो जाए तो आप लोग के भी एक दायित्व हो जिम्मेदारी हो कि बाल विवाह और दहेज प्रथा के हमारे निर्मूल एक एक कला निर्मूलीकरण करल जा कि आप लोग की भी दायित्व हो तो उसे का हुए जो आप लोग बिना दहेज के शादी कैल जाए तो उसे एक टू अभियान आप लोग चलावल जा तो अभियान के माध्यम से का हुए कि हमें दहेज प्रथा आपके कम करे के लिए ढेर सहज भी पुगी और आपके माध्यम से कार्यक्रम के माध्यम से हम अनुरोध करे चाहते हैं कि जो हमन के समाज में युवा जगत बा युवा जगत आज घड़ी राज सर आपके दुर्व्यसनी के शिकार जैसे आपके लागू औसत में आपके बहुत आपके रूपंदेही जिला में आप देखल जा बहुत दिन प्रतिदिन देश के समस्या हो एक होनहार युवा लोग आप लागू औसत के एक शिकार हो के अपन जीवन जो बर्बाद करत हटे और वो हमें निर्मूलीकरण करे के लिए ओके कम करे के लिए आपके नेपाल प्रहरी ओकरे बाद आपके नेपाल सरकार के भी हमें जो मतलब प्रयास बा ओकरे बावजूद भी आपके संचार माध्यम के भी प्रयास बा और समाज में जो सामाजिक व्यक्तित्व लोग समाज सेवी जो आप लोग बाटी इस सबके भी आपके क्या कहना प्रयास करे जरूरी हो और युवा जगत के हम अनुरोध करके चाहब
कि आप लोग लागू औषध में दुर्व्यसनी में आप लोग गलत संस्कार में गलत कल्चर में आप लोग न फंसल जा और आप लोग देश के कर्णधार होगी आप लोग के कांध में देश के भविष्य बा आप लोग के माध्यम से ये जोन रासारा प्रश्न उठावल गई महत्वपूर्ण प्रश्न उठावल गई हमन के समाज में आपके दहेज प्रथा वाला दहेज प्रथा के आपके कम करे के लिए हमारे अपने बुझाई में सबसे बड़ा यदि जिम्मेवारी युवा जगत जोन आपके शिक्षित समुदाय बा युवा जगत में हमन के समाज में यदि उस समय पहले से तो बहुत सोच आयल बा आपके का कहना बिना दहेज के भी शादी होत बा तो हमें विश्वास बा कि आपके युवा जगत यदि हमें लगी देश भर के कितना जन व्यक्ति बाटे अब ओखन के एठू मन में वैसे नहीं रहा कि बिना दहेज के हम अपन जो लड़का के सदिया नहीं करब कहके अब ओखन के एठू कितनों अब शिक्षित बाटे बकिन का हमन के ओखन के का सोचे परी कि ओखन लग ज्ञान नहीं बा शिक्षा ते बा अब कौनो अब स्कूल कॉलेज पढ़ल शिक्षा ते हो बकिन का ओखन के ज्ञान नहीं बा ते वैसन जो अज्ञानी व्यक्ति बाटी जौन कि हमन के अब हमार जो लड़का के यदि ब्याह शादी ब्याह होते जिस दहेज चाहिए कहके एक आराम रख लिया रहने उ सबके अज्ञानी के खातिर कुछ संदेश देख चाहल जी कि ओखन के जिसे विचार बदल सके हाँ अब बहुत अच्छा प्रश्न उठावल गेल कि जौन हमन के समाज में कुछ ऐसा व्यक्ति बाटे कि दहेज नहीं पाए तो हम शादी नहीं करब हाँ। तो वो एक साल अगोरी हैं दुई साल अगोरी हैं हाँ। कहाँ से मतलब आपके यदि दहेज मिली तब शादी करब तो आप लोग के हम अनुरोध करे चाहते हैं कि ये दहेज प्रथा के कम करे के लिए आपो भी सहभागी बनल जाओ हाँ। आपके भी दायित्व हो आप अपने लड़का के पढ़ावल जाओ लड़का के शिक्षित बनावल जाओ और आप पढ़ल लिखल लड़की से आपके आपके लड़का कितना पढ़े लेवा कौन कौन सब विषय में अध्ययन कर लेवा आप वह किस्म के आप लड़की खोजल जा यानी पढ़ल लिखल लड़की खोजल जा ओकरे बाद आप संबंध के जोड़ल जा शादी कैल जा आज दहेज पावल जाए तो आपके एक वर्ष में दुई वर्ष में वो दहेज ओरा जाए बगैर यदि आप कुशल शिक्षित लड़की पावल जाए तो आपके वो लड़का के आपके आपके घर परिवार के वो बदल दे कार्यक्रम के माध्यम से हम अनुरोध करते हैं कि आज की मिति से आप दहेज मांगे के सोच बदल दे और दहेज में आप लड़की मांगल जा होशियार लड़की पढ़ल लिखल लड़की सभ्य लड़की आप दहेज में हम लड़की लेब कह के एक दिन मानसिकता बनावल जाता तो का हो कि आप भी समाज के परिवर्तन करे के लिए आप भी एक भागीदार बनल जा आप भी एक सदस्य बनल जा हाँ। यह कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके दुई हाथ जोड़ के हम अपील करे के चाहते हाँ तो उसे जो अब कितना व्यक्ति जो बाटे कि अब शादी ब्याह में दहेज चीज दे ही करी तो अपन लड़की के का पढ़ाई और अपन लड़की के पढ़ा दे तो दूसरे घर जा वाला हो ओखन की जो एक गलत सोच बा वो एक अभिभावक के खातिर कुछ संदेश देख चाहल जी जौन की ओखन की दहेज में विशेष जोड़ रहा बकिन का अब लड़की के पढ़ा लिखा के या कौन भी सिख सिखा के ओखन जो लड़की के गोड़ पर ठड़िया देव ते बिहान के जाके ओकर भविष्य उज्जवल हो अंतिम में कुछ कह चाहल जी मेरा सर बहुत अच्छा प्रश्न आप उठाओल गए जौन हमन के समाज में पढ़ल लिखल लड़की बाटे उनके शादी ब्याह आपके बहुत सहज तरीका से भी होत बा काहे से कि यदि वो लड़की पढ़ल लिखल बा सीब बा बिहान वो अपन परिवार चला सकेली अपन घर अपन आवे वाला बिहान की पीढ़ी जो उनका कहना आपके जो बच्चा और आए वाला नया पीढ़ी जो आई और पढ़ल लिखल लड़की आपके वह पीढ़ी के भी घर के भी सुधार करे के वह हमें क्षमता रही और जब पढ़ल लिखल रही है तो ऐसे कोनो संकट आयल जीवन में तो वह हमें आपके एक समाधान करे एक आपके क्षमता रहा वैसे क्या हुई कि पढ़ले से शिक्षा से आपके समाज में और तो परिवार में वह परिवार के भी भविष्य अच्छा रही और पढ़ल लिखल लड़की यदि केहू के घरे पतो बन के आवत द तो वो गाँव भी आपके क्या कहना वो परिवर्तन करी बहुत जरूरी का बात राज सर नेपाल के जो संविधान आपके जो घोषणा भइल वह में आपके यदि नेपाल के राष्ट्रपति यदि महिला हो तो उपराष्ट्रपति आपके पुरुष यदि पुरुष राष्ट्रपति हो तो महिला उपराष्ट्रपति स्थानीय निकाय के चुनाव में भी आपके यदि गाँव पालिका अध्यक्ष यदि पुरुष हो तो महिला आपके उपाध्यक्ष ये किस्म के उठू आपके महिला के इतना अब के संविधान इतना अधिकार दे लेवा
कि आपके महिला के बहुत अवसर बा सर, हमन के समाज में आपके समाज परिवर्तन के एक संवाहक के रूप में आपके महिला के आगे बढ़े के जरूरी बा। हाँ, तो वैसे आपके जो अमूल्य समय के खातिर हमारे धन्यवाद दिख जा जाता विशेष के जानकार के में आके आप अपन विचारधार के लेकर के दिन आपके धन्यवाद। ठीक बा सर, आपके जो हमें कार्यक्रम में आपके बुद्ध टेलीविजन, बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन जो आप और राज सर जो हमें निमंत्रण कल गए, आप बुलावल गए आपके टेलीविजन के माध्यम से, एक समाज में आपके कैसे समाज के सुंदर बनावल जा जो एक विचार रखे के लिए आप अवसर दिल गए, एक लिए आपके बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन के और राज चौधरी जी के हम अपने दिल से और अपने गोपाल सेवा समिति रूपनदेही के तरफ से और हम नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि के हैसियत से आपके नेपाल बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन के संपूर्ण सहकर्मी लोग के, आप लोग के संपूर्ण टीम के हम बहुत बहुत धन्यवाद देव चाहते हैं और आपके माध्यम से अभी के भरकर संपन्न जोन आपके कारण विजयादशमी गई और आए वाला शुभ दीपावली अनि लोछार पर्व और आपके छठ पर्व के बहुत बहुत शुभकामना। श्रोता वर्ग में आप लोग के हम आप लोग के परिवार में सुख शांति और समृद्धि के कामना सहित आप लोग के जो नेपाली लोग के महान जो हमन के एक पर्व गई और फिर आपके पर्व आवता यह अवसर में आपकी टेलीविजन के माध्यम से हम बहुत बहुत शुभकामना भी देवक चाहते हैं और आप बुलावल गिल आपके भी बहुत बहुत हम धन्यवाद देवक चाहते हैं राज सर। हाँ, तो वैसे इतना करी हमारे देखल गिल कार्यक्रम संस्कृति सरोवर कार्यक्रम के साथ में हम संचालक राज ने आज हम अतिथि रहने गोपाल सेवा समिति रूपनदेही जिला अध्यक्ष भरथरी यादव जी रहने हमन के साथ में और हमारे वहाँ के विदा करी चाह जी। तो वैसे आप देखल गिल कार्यक्रम संस्कृति सरोवर आपके ऐसे धन्यवाद। ते आज हम लग कैमरा पर्सन सरीना उनके बीच धन्यवाद देते कार्यक्रम देखते रहिए बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन। यह कहा हम संचालक राज भी आपसे विदा होती। नमस्ते।